सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट फिल्म रिव्यूज एंड इंटरव्यूज। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा बनेगा पास्ता। आप बने रहे हमारे साथ, आज बनेगा पास्ता पास्ता पास्ता। सबसे पहले आप आग लगा लें। आग लगानी बड़ी जरूरी है, लेकिन सही जगह पर, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद आप ये मखना और बटर, कोई भी आप इसका नाम दें, लेकिन आप इसको इसके पैन के बीच सीट लें। मक्खन आपका ऐसी शेप ले लेगा, पूरा पिघल जाएगा। कहते नहीं होते मक्खन मक्खन हो गया, तो ये मक्खन मक्खन हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें लहसुन सीटेंगे। यस, ओहो, थोड़ा जो बच गया वो भी इसको भी सीट लें। मक्खन के साथ जब आप लहसुन सीटे तो पड़पड़ पड़पड़ स्टार्ट हो सकती है। अब थोड़ा ध्यान रखें और जल्दी से इसमें नहीं, वैसे तो एक मिनट इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए आपको। चलो आप इसको हिलाकर देखें, शायद पड़पड़नेस। आप ग्लव्स भी डाल सकते हैं क्योंकि आपके छींटे पड़ सकते हैं। ये देखो जो छींटे उड़ रहे हैं ना। आप अपनी फेस ब्यूटी थोड़ी दूर रखें। आप प्याज डाल ही देते हैं, आप इसमें प्याज सीट रहे हैं। आपने तरह तरह की सब्जियां, नहीं तरह नहीं डालनी है इसमें, तरह तरह की सब्जी डालनी है इसमें। आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं, आप गोभी भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी फ्रोजन सब्जियां थी तो मैं इसको इसमें सीट रहा हूँ। आप कोई भी सब्जी इसमें डालें। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब ऐसे नहीं कि इसकी सब्जी बना लेनी है। थोड़ा सा बस, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टर फ्राई करना है, स्टर फ्राई। पफे उड़ रही हैं, हमने इसको फ्राई पैन से निकाल लिया है और अब हम एक और फ्राई पैन लेंगे, उसमें इसको सीटेंगे, लेकिन बाद में। पहले और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं हमारे पास। ऐसा भांडा लें जो थोड़ा सा डूंगा हो। ये आप देख लें कि इतना डूंगा हो, ये देख लो आप। ज्यादा डूंगा नहीं लोगे तो फिर आपका पास्ता बाहर आ जाएगा। हमारा मक्खन की बारी। आप इसको दो तीन जो टिक्कियां हैं चौरस चौरस, इसको फिर सीट लें। आज मक्खन से घबराएं मत, क्योंकि ये मक्खन जो है वो फैट फ्री है। हाँ, पता नहीं चलेगा आपको फैट कब चढ़ जाएगी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल भी डालेंगे हम। इसकी बहुत जरूरी चीज है ये, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। सो आप अभी सुन लें, मक्खन के साथ थोड़ा तेल डाल लें। साथ में इसमें आटा डालना है, इतना ही आटा डालना है। कहीं ज्यादा आटा, गुन्नण वाला आटा मत डाल लें, बहुत सारा आटा, थोड़ा सा आटा डालना है। इतने हमारा रोटियां नहीं बनानी, पास्ता बनाना। आपने अपना दूध डाल देना, नहीं अपना नहीं, मतलब गाय भैंस का दूध डाल देना है इसमें, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, कहीं इसमें लंप ना बन जाए। लंप और हम्प वो दोनों नहीं बनने देने हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। एक डेढ़ कप आप इसमें डाल दें। हाँ जी, डेढ़ कप जो मिल्क आ, फुल फैट मिल्क डालें, क्योंकि फुल फैट मिल्क जो होता है वो फैट फ्री होता है। गाइस, इसमें आपको इस तरह के चुरलू की जरूरत, ये कोई ये पता नहीं क्या टेक गया है इसमें, चलो कोई नहीं, जैसे आपको बिच्ची डल जाएगा, ये इस तरह के चुरलू की आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसा ये सी थ्रू, पानी थ्रू, पता नहीं क्या है ये, ये आपको चुरलू की जरूरत पड़ेगी। आपको लंप इसमें मारने हैं, ये बड़ी जरूरी चीज है। बाद इसमें डलेंगी गाइस चीज स्टिक्स। मेरे पास चीज स्टिक्स थी, आप प्रॉपर चीज भी डाल सकते हैं, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसमें चीज डलेगी, ये चीज मेरे पास जो थी वो बिल्कुल फैट फ्री थी, और आप फैट फ्री चीज इसमें डालें। मार गया आपने पूरा ना, चीज को मार देना है। फिर आपका पास्ता बहुत अच्छा बनेगा। ये वाइट सॉस पास्ता बना रहा हूं आज मैं, सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया। ओह माय गॉश, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये वाइट सॉस पास्ता बना रहा हूं, मुझे लाल सॉस पास्ता भी आता है, लेकिन आप ये देखें बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो जब आपकी चीज पड़पड़ करने लग जाए, उसके बाद आपकी बारी आएगी। जो आपने स्टिर फ्री सब्जियां की थी, उसको आपने इसके बीच में कल्ले कल्ले मक्की के दाने को इसमें बीच में सीट लेना है। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। महाराज पास्ते मार ही जाना, इतना कैंड मर रहा। आई नी सानू मार गया। ओए होए होए होए। और बेजिल ये आप इसमें सीट दें। मैंने इनको दोनों को काटा कर दिया था, और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक सीट दें। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, जितना आपको चिल्ली चाहिए उतना फ्लेक्स आप इसमें सीट लें, क्योंकि कईयां की जो टीढ़ है वो काट चिल्ली चलता है, कईयां की ज्यादा चलता है, और आप इसको फिर काटा कर लें। काटा इट्स टाइम टू पास्ता इन द, ओह माय गॉड, एक पास्ता लंबा जो थले डग गया है, हम चक लेने खड़ जो ध्यान से चाके और इसको पूरी तरह से घुमा लें। एट दिस ब्यूटी, दैट्स इट गाइस, रेडी, आपका पास्ता रेडी हो गया है। आप पास्ता ज्यादा भी सीट सकते हैं, अगर आपको सॉस पतली चाहिए तो पास्ता थोड़ा कम सीटें, ये इतनी जल्दी बन जाता है आपका पास्ता। ओके गाइस, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। वेयर इज माय स्पून, पास्ता रेडी है गाइस।
आ जाओ, जे खाना था नहीं खाना तो आपके घर बड़ा खाना, ऐसी कोई गल नहीं है।